खबर तेलंगाना के सिकंदराबाद से, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। सिकंदराबाद के इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में आग से मरने वालों की संख्या 8 पहुंच गई है। और ये बताया जा रहा है शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करने के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। धीरे धीरे आग पास के लॉज और रेस्टोरेंट में पहुंची। आग से करीब 24 लोग फंसे हुए थे। इस आग में 8 लोगों की मौत हुई। हादसे पर शोक जताते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया। पीएम राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2,00,000 रुपए और जख्मी लोगों को 50,000 की राहत राशि दी जाएगी। तो सिकंदराबाद में आग लगी, 8 लोगों की अभी जानकारी है कि मौत हुई है। 24 लोग करीब उसमें फंस गए थे जब ये आग लगनी शुरू हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आई। आग में मारे गए ज्यादातर लोग दूसरे राज्य के हैं जो वहां पर पहुंचे थे। शोरूम की आग आसपास के लॉन्च और रेस्टोरेंट में भी पहुंची है, जिसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ गई। सोमवार रात करीब 8-10 बजे ये आग लगी और उसके बाद कोशिश यही हुई कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। जो इंसिडेंट हुआ है अभी यहाँ पर, कितने लोगों के मरने की खबर? सब 8 लोगों के मरने की खबर है सर। अभी 7 लोग दवाखाने में हैं, उसमें भी एक पर्सन थोड़ा सीरियस नजर आ रहा, बाकी लोग तो रिकवर हो जा रहे हैं। 8 आदमी का तो डेथ हो चुकी है और उसमें से जो है चेन्नई से 2 लोग हैं, दिल्ली से 3 लोग हैं और विजयवाड़ा से भी एक है। ऐसा बाकी लोगों का आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि जब तक उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड या नहीं निकलेगा या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे तो पूरी इतला हम सब जो भी है। अभी उन लोगों की डेथ बॉडी उनके घर को भेजाया जा रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब ने उन्हें 3-3 लाख रुपए एग्जेशा देने का ऐलान किया है। जरूर उनको एग्जेशा भी दिया जाएगा, मगर बहुत दुख है। मैं रात में भी आपसे बातचीत, मेरी बहुत बुरी बात है। इंसान के लिए प्रॉपर्टी लॉस हुआ तो कोई लॉस नहीं, किसी का जानी लॉस हुआ तो बहुत हमारे लिए गम की बात है, अफसोस की बात है। रीजन क्या हुआ है? रीजन क्या साहब, आजकल आप जानते हैं कि बैटरी के गाड़े आ रहे हैं, पावर बैटरी के, वो इलीगली जो है इसके अंदर गाड़ियां पार्किंग के अंदर रखा गया था। पार्किंग जो दी जाती है वो कारों की पार्किंग के लिए, स्कूटर्स की पार्किंग के, मगर कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही जो बिल्डिंग के अंदर जिसकी लाज है, वही सामने की होटल शॉप में देखिए, रूबी के नाम से जो है डीलिंग, मोटरसाइकिलों की डीलिंग करते थे, वो काफ़ी गाड़ियां नीचे रखी हुई है। मैं समझता हूँ अभी भी 30-35 गाड़ी रखे हुए। हमको ऐसा अंदाजा रखा है कि वो बैटरी चार्जिंग जो लगाई गई उसमें किसी वजह से ज़्यादा लोड होने से शॉर्ट सर्किट होगा, वो बैटरी जल गई, उसका धुआं, आग से ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, धुएं से जान चले गई लोगों की, उसका बहुत दुख है हमें। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।